दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 62nd ई ऑक्शन के बारे में। यह दोस्तों 62nd ई ऑक्शन हुआ था 17 अगस्त 2022 को, और दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि 18 अगस्त 2022 को प्रसार भारती के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह नोटिफाई कर दिया गया है कि MPEG-4 स्लॉट्स के लिए जो ई ऑक्शन ऑनलाइन ई ऑक्शन कंडक्ट कराया गया, उसमें एक न्यूज़ चैनल ने, जी हाँ दोस्तों, एक न्यूज़ चैनल ने स्लॉट जीत लिया है, और वो आपको 24 अगस्त 2022 से DD FreeDish यूजर्स के लिए DD FreeDish सेटअप बॉक्स पर अवेलेबल होगा। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों 62nd ई ऑक्शन के लिए, और 62nd ई ऑक्शन नोटिफाई किया गया था दोस्तों 8 अगस्त 2022, और 8 अगस्त 2022 को ही सारा अपडेट दिया गया था कि 17 अगस्त को ये ऑक्शन होगा, और आगे आने वाले 24 अगस्त 2022 से ये सभी के लिए उपलब्ध होगा जो भी चैनल स्लॉट जीता है। तो बने रहो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक, चैनल का नाम भी आपको आगे हम बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट, आप देख रहे हैं टेक डिजिटल DS। तो दोस्तों चैनल का नाम है रशिया टुडे। जी हाँ दोस्तों, ये एक न्यूज़ चैनल है, इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल, और ये अवेलेबल रहेगा दोस्तों DD FreeDish सेटअप बॉक्स पर 24 अगस्त 2022 से लेकर के 31 मार्च 2022 को, जैसा कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी 8 अगस्त 2022 को नोटिफाई किया गया था कि जो भी चैनल स्लॉट जीतेगा 62nd ई ऑक्शन में प्रो डेटा बेसिस पे वो अवेलेबल रहेगा 24 अगस्त 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक। तो दोस्तों रशिया टुडे न्यूज़ चैनल अब आप देख सकते हैं DD FreeDish सेटअप बॉक्स पर 24 अगस्त 2022 से। बातें कर लें दोस्तों MPEG-4 वेकेंट स्लॉट्स की, तो जनरली होता क्या है दोस्तों MPEG-4 स्लॉट पे हम उम्मीद तो करते हैं कि कोई बढ़िया जनरल एंटरटेनमेंट कैटेगरी का चैनल मिल जाए या फिर कोई मूवी चैनल ही मिल जाए, लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है दोस्तों। देखा यही गया है कि MPEG-4 वेकेंट स्लॉट्स पर न्यूज़ चैनल से स्लॉट जीतते हैं, और आपको न्यूज़ चैनल देखना पड़ता है अगर आप देखना चाहते हैं तो इस 62nd ऑप्शन में भी दोस्तों कुछ नया नहीं हुआ है, और जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं रशिया टुडे ये न्यूज़ चैनल 24 अगस्त से लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों आगे अपडेट की बात करें DD FreeDish पर, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 61st ई ऑप्शन ही अभी कुछ दिनों पहले संपन्न कराया गया, और दो चैनल्स अब अवेलेबल हो गए हैं B4U Plus और अतरंगी TV, और इसके बाद अगर ये एक चैनल और जोड़ दिया जाए दोस्तों तो MPEG-4 स्लॉट पर दोस्तों आप इसको देख पाएंगे रशिया टुडे को, और MPEG-2 स्लॉट पर आप देख पा रहे होंगे अतरंगी TV और B4U Plus। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों कि तीन नए चैनल इस महीने आपको देखने मिल रहे हैं DD FreeDish सेटअप बॉक्स पर। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक दे सकते हैं, अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का। दोस्तों आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।